हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं सीमा बैस। आज हम क्लास 10 साइंस बायोलॉजी के चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस में रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन देखेंगे। ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने न्यूट्रिशन व टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन एक्सप्लेन किया था। पार्ट 2 में डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा एक्सप्लेन किया था। अगर आपको इससे पहले का समझना है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जरूर देखें। तो अब हम शुरू करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, कि रेस्पिरेशन क्या है। पहले ये समझा जाता था कि रेस्पिरेशन इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको जनरली हम कहते हैं सांस लेना। लेकिन अब क्लास 10th में हम इसी रेस्पिरेशन को और डिटेल्ड में और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन एक्चुअली क्या है? जब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर सेल में जाकर सिंपल फूड को ऑक्सीडाइज कर देती है और एनर्जी रिलीज करती है। ये प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाती है। एक्चुअली रेस्पिरेशन 2 स्टेप में होती है, फर्स्ट ब्रीथिंग और सेकंड सेलुलर रेस्पिरेशन। इसी को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ब्रीथिंग क्या है? व्हाट इज द ब्रीथिंग? द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड आर कॉल्ड ब्रीथिंग। जनरली ब्रीथिंग का मतलब हम समझते हैं कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, इसी को हम सांस लेना भी कह सकते हैं। सेकेंड जो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, व्हाट इज द रेस्पिरेशन? तो सबसे पहले वी नीड टू ब्रीथ इन ऑर्डर टू सर्वाइव, एंड फॉर दिस वी टेक ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हम सर्वाइव करने के लिए इन्वायरमेंट ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। द प्रोसेस इन विच द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। एक्चुअली रेस्पिरेशन क्या है? जब सेल में ऑक्सीजन जाती है तो वो सिंपल फूड को काय में कन्वर्ट कर देती है, एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, जिस एनर्जी का यूज हम विभिन्न एक्टिविटीज में और फंक्शंस में करते हैं। एक्चुअली रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस इन्वॉल्व 3 स्टेप्स, फर्स्ट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड थर्ड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, इसमें 3 स्टेप्स होती हैं। फर्स्ट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ब्रीथिंग, सेकेंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और थर्ड है गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। देयर आर द 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है, उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इस रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होते हैं, साथ में एनर्जी रिलीज होती है, 38 ATP एनर्जी रिलीज होती है। सेकेंड रेस्पिरेशन का टाइप है एनरोबिक रेस्पिरेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस या तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन की कमी में हो तो उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये रेस्पिरेशन जनरली 2 टाइप का होता है, फर्स्ट ईस्ट में होता है और सेकेंड हमारी बॉडी में कुछ मसल्स में ये रेस्पिरेशन होता है। इस रेस्पिरेशन में 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है। अब हम ये दोनों टाइप के रेस्पिरेशन को समझेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, आप एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसमें टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन समझाए हैं। सबसे पहले आपको ऊपर इस डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा ग्लूकोज, उसका फॉर्मूला लिखा है C6H12O6, ठीक है। फूड, अब इसका ऑक्सीडेशन किस तरह से होगा और एनर्जी रिलीज होगी, दोनों टाइप के रेस्पिरेशन मैंने समझाए हैं। तो सबसे पहले ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस
जनरली चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन है, दोनों में ये स्टेप सेम होती है। सबसे पहले ग्लूकोज पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस भी कहते हैं। अब यहाँ पर पाइरुवेट जो है या पाइरुविक एसिड है, यदि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है या एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो काय में कन्वर्ट होगा, ये एथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है, जनरली प्रोसेस ईस्ट में होती है और कुछ बैक्टीरियास में होती है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल बनते हैं तो इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन के नाम से भी जानते हैं, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। सेकेंड है, लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है जो कुछ सेल्स में होती है। हमारी बॉडी की कुछ सेल्स में लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है और एनर्जी रिलीज होती है। ये प्रोसेस भी एनारोबिक रेस्पिरेशन का ही एक टाइप है। जैसे आपने देखा होगा बच्चों, जब हम बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं या फिर बहुत दौड़ लेते हैं तो क्या होता है, उस समय हमें हाफ हाँफने लगते हैं। हम क्यों हाँफने लगते हैं? क्योंकि हमें उस समय जब हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा फंक्शन कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की क्वांटिटी चाहिए, तो उतनी प्रॉपर ऑक्सीजन की क्वांटिटी हमारी बॉडी गेन नहीं कर पाती है। तो हमारी बॉडी की पर्टिकुलर उस सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारी बॉडी की कुछ मसल्स में या सेल्स में लैक्टिक एसिड फॉर्म होने लगता है। और जब ये लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा फॉर्म हो जाता है क्वांटिटी में, तो हमारी बॉडी क्या होने लगती है, थक जाती है, हमें थकान महसूस होने लगती है। जैसे आपने देखा होगा ना कि हम एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं या कुछ फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं तो हम थक जाते हैं, है ना? किस लिए थक जाते हैं? क्योंकि लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा है लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण। जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी गेन नहीं कर पा रही है। जब हम रिलैक्स होते हैं, 2-3 घंटे आराम करते हैं, तो वापस से लैक्टिक एसिड रिड्यूस हो जाता है और हम क्या करते हैं, रिलैक्स फील होते हैं। अब उसके बाद में आपने देखा होगा, नेक्स्ट दिखाई दे रहा है आपको प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के कारण। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है, उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में वाटर फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो ये तीनों मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। फर्स्ट मैंने एनारोबिक रेस्पिरेशन बता दिया, जिसके दोनों एग्जाम्पल आपको बता दिए। जैसे ईस्ट में जो होता है, जिसमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, उसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। सेकेंड, एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग की बॉडी की कुछ मसल्स में भी होती है, ठीक है, इसमें लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। और नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है। इनमें मेन डिफरेंस एक और है कि एनर्जी की क्वांटिटी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है बच्चों, उसमें 38 ATP एनर्जी रिलीज होती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन चाहे वो ईस्ट में हो चाहे लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा हमारी बॉडी की मसल्स में, इसमें रिलीज होने वाली एनर्जी की क्वांटिटी 2 ATP होती है। यहाँ एनर्जी रिलीज जो होती है वो ATP के फॉर्म में होती है। ATP इज द करेंसी ऑफ द सेल। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन। रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाइलस एंड लंग्स एंड एल्वियोलाई। एक्सटर्नल पार्ट ऑफ नोज हैज नॉस्ट्रिल्स दैट लीड्स द नेजल कैविटी। सबसे एक्सटर्नल पार्ट होता है जहाँ से ऑक्सीजन इनटेक करती है, उसको नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। नॉस्ट्रिल्स के बाद में नेजल कैविटी में जाती है एयर, फिर नेजल कैविटी के बाद में एयर फेरिंग्स में जाती है, फेरिंग्स के बाद में विंड पाइप में जाती है, जिस विंड पाइप को हम ट्रेकिया कहते हैं। फर्दर ट्रेकिया डिवाइडेड इंटू 2 ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकाइलस। ब्रोंकाइलस फिर आगे लंग्स में जाकर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम ब्रोंकाइलस कहते हैं। ब्रोंकाइलस के एंड में छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं, इन एयर सैक्स को हम एल्वियोलाई कहते हैं। ये एल्वियोलाई चारों तरफ से ब्लड कैपिलरी से सराउंडेड होते हैं। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन ह्यूमन बींग। अब हम देखेंगे किस तरह से ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर सेल तक पहुंचती है। सबसे पहले एयर इंटर करती है नेजल कैविटी से, जिसमें हेयर और म्यूकस होता है, जो एयर को फिल्टर करने का और वार्म करने का काम करता है। यहाँ से फेरिंग्स में आती है एयर, और फेरिंग्स के जरिए ये फिर विंड पाइप या ट्रेकिया में पहुँचती है। इसके साथ में ही फूड पाइप होता है, जिसमें फूड इंटर होके स्टमक तक पहुंचता है, और विंड पाइप से एयर
ब्रोंकाई में पहुंचती। ब्रोंकाई दो भागों में डिवाइड होती है, फिर ये अंदर ब्रांचेस बनाती है जिसको ब्रोंकाइलस कहते हैं। ये ब्रोंकाइलस के एंड पर छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर, इसको एल्वियोलाई कहते हैं, जो ब्लड कैपिलरी से सराउंडेड होते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को डिफ्यूज करते हैं। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग भी इन्वॉल्व है, इसलिए पहले हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में जैसा कि हमको मालूम है कि हमारे चेस्ट में थोरेसिक कैविटी होती है, इसमें एक केज लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको रिब्स कहते हैं। इसी के अंदर हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स से कनेक्टेड डायफ्राम होता है। ब्रीथिंग प्रोसेस में रिब्स, डायफ्राम और लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। अब ये किस तरह से होती है, इसमें दो आपको अलग अलग स्टेप दिखाई गई है, डायग्राम भी दिखाए गए हैं, इंस्पायरेशन और सेकेंड है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब होता है इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो सबसे पहले वो रिब्स के थ्रू हमारे लंग्स में एंटर करती है, तो रिब्स पुल्ड और फॉरवर्ड और अपवर्ड हो जाते हैं, डायफ्रैग्म बिकम फ्लैट और एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ड्यू टू दिस साइज ऑफ कैविटी इंक्रीज, देयर बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ एयर, बट आउटसाइड प्रेशर ऑफ एयर इज हाई, देयर फोर एयर फ्रॉम आउटसाइड मूव्स इनसाइड। इसीलिए जो एयर है वो इनसाइड या अंदर की ओर जाती है, क्योंकि बाहर प्रेशर ज्यादा हो जाता है और अंदर प्रेशर कम होता है, तो हमेशा ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर ही एयर मूव करेगी। सेकेंड है स्टेप एक्सपायरेशन, मतलब एयर का बाहर निकलना कार्बन डाइऑक्साइड का। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स में, लंग्स के जरिए नेजल कैविटी से होते हुए बाहर निकलेगी, तो रिब्स जो पहले फूल गई थी, पुल्ड हो गई थी, अपवर्ड पोजीशन में थी, वो अब क्या हो जाती है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। डायफ्रैग में जो फ्लैट हो जाता है वो वापस से डोम शेप में हो जाता है और एब्डोमिनल मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, उसको अच्छे से समझेंगे। अब हम समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, किस तरह से ऑक्सीजन लंग्स के द्वारा होते हुए एल्वियोलाई तक पहुंचती है और फिर ब्लड कैपिलरीज से होते हुए ब्लड में पहुंचती है और फूड को ऑक्सीडाइज करती है। सबसे पहले नॉस्ट्रिल में एयर एंटर करती है, नॉस्ट्रिल्स में हेयर, फाइन हेयर पाए जाते हैं और म्यूकस होता है। ये हेयर का क्या फंक्शन होता है, ये हेयर एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं, एयर में से डस्ट को, डर्ट पार्टिकल्स को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेपरेट कर एयर को फिल्टर करते हैं। इसके साथ ही इसमें म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस का क्या फंक्शन होता है कि ये भी जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको ट्रैप्ड कर लेती है और एयर को मॉइस्चराइज करने का काम करती है। नॉस्ट्रिल से फिर एयर आगे थ्रॉट में जाती है, थ्रॉट मीन्स फेरिंग्स, फेरिंग्स से फिर ये ट्रेकिया में आती है। ट्रेकिया इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज रिंग्स दैट प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रेकियल वॉल इन एब्सेंस ऑफ एयर। ट्रेकिया, या जिसे विंड पाइप भी कहते हैं, ये कार्टिलेज रिंग की बनी होती है। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बताया गया है कि कार्टिलेज की रिंग से इसकी पूरी इनर वॉल बनी होती है। ये क्या काम करती है, इसका फंक्शन होता है ट्रेकिया की इनर वॉल को कोलेप्स होने से बचाना, यानी ये सरफेस ऑफ द ट्रेकिया वॉल को कोलेप्स होने से या आपस में चिपकने से बचाती है और उसको प्रोटेक्शन देती है। ट्रेकिया से एयर फिर आगे दो भागों में डिवाइडेड होती है जिसको काई कहते हैं, दैट फर्दर डिवाइडेड इंटू प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियर ब्रोंकाई, दैट टू ब्रोंकाइलस। ब्रोंकाई फिर लंग्स में और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रांचेस में डिवाइड होती है, उसको ब्रोंकाइलस कहते हैं। ब्रोंकाइलस के एंड में एयर सैक्स होते हैं जिसको एल्वियोलाई कहते हैं। अब हम देखेंगे किस तरह से एयर एंटर करती है लंग्स में। ब्रीथिंग करते हैं तो एयर हमारे अंदर लंग्स में आती है, तो चेस्ट कैविटी फूल जाती है, चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ जाता है और डायफ्राम का शेप फ्लैट हो जाता है और ऑक्सीजन गैस प्रेशर के कारण एल्वियोलाई तक पहुंच जाती है। एल्वियोलाई से ये ऑक्सीजन गैस ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है और ब्लड में डिफ्यूज होने के बाद ये अदर सेल्स तक और टिश्यूज तक पहुंच जाती है।
अदर सेल्स और टिश्यूज में ये सिंपल फूड को ऑक्सीडाइज कर देती है और रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वापस एल्वियोलाई में आता है डिफ्यूज होकर, और एल्वियोलाई के जरिए उसी पाथ से ये वापस लंग्स में पहुंचता है और लंग्स के जरिए ट्रेकिया से होते हुए वापस नॉस्ट्रिल्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये थी पूरी रेस्पिरेशन की प्रोसेस। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग।